अच्छे हैं। नीतीश जी की सरकार कैसी लगी आपको? मोदी जी के भाषण कैसे लगे? अच्छे लगे? उन्होंने कहा कि बिहार के जो हमारे सैनिक शहीद हुए उनके सामने प्रधानमंत्री अपना सिर झुकाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा, पूरा देश उनके सामने, बिहार के शहीदों के सामने सिर झुकाता है। मगर सवाल यह नहीं है, सवाल सिर झुकाने का नहीं है, सवाल दूसरा है। जब बिहार के युवा सैनिक शहीद हुए उस दिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने क्या कहा और क्या किया, सवाल वो है। लद्दाख में गया हूं, लद्दाख में हिंदुस्तान की सीमा है और उस सीमा पे बिहार के, उत्तर प्रदेश के, बाकी प्रदेशों के युवा अपना खून, अपना पसीना देकर हिंदुस्तान की रेखा, जमीन की रक्षा करते हैं। लद्दाख में ऐसी जगह है जहां -20, -25, -30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। ऐसी जगहें हैं जहां हमारे सैनिकों को 10-15 दिन पोस्ट तक पहुंचने के लिए चलना पड़ता है। सियाचिन में हमारे युवा ठंड से मरते हैं मगर वापस नहीं आते, भूखे रह जाते हैं वापस नहीं आते। उन्होंने आजादी के दिन से के बाद हिंदुस्तान की सीमा की रक्षा की। सवाल यह है कि जब चाइना की सेना ने हमारे 20 सैनिकों को मारा, शहीद किया और हमारी जमीन ली, भाई और बहनों 1200 किलोमीटर हिंदुस्तान की जमीन चाइना ने ली है, चाइना की सेना हिंदुस्तान के अंदर है, सवाल यह है कि जब चाइना हमारी जमीन के अंदर आए तो हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे वीरों का अपमान करते हुए ये क्यों बोला कि हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं आया, सवाल भाइयों बहनों ये है। आज कहते हैं मैं सिर झुकाता हूं मगर हिंदुस्तान की सेना का अपमान नरेंद्र मोदी ने किया जब उन्होंने देश को झूठ बोला कि चाइना का कोई भी सैनिक हिंदुस्तान के अंदर नहीं आया। सवाल यह है नरेंद्र मोदी जी, ये चाइना के सैनिक जो हिंदुस्तान के अंदर बैठे हैं इनको आप बाहर कब निकालोगे? सवाल यह है। आप सिर झुकाने की बात मत कीजिए, आप हमारे वीर सैनिकों को यह बताइए कि चाइना को आप हिंदुस्तान से कब बाहर फेंकोगे, ये बताइए। और यहां आकर उल्टे सीधे झूठ मत बोलिए, यहां बिहारियों को झूठ मत बोलिए। आप बिहारियों को यह समझाइए कि आपने उनको रोजगार कितना दिया और कब। पिछले चुनाव में बोला था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, मिला?
किसी को मिला? जीरो आते हैं, कहते हैं किसानों के सामने मैं सिर झुकाता हूं, सेना के सामने मैं सिर झुकाता हूं, मजदूरों के सामने मैं सिर झुकाता हूं, छोटे व्यापारियों के सामने मैं सिर झुकाता हूं, और दूसरे घर जाते हैं और अंबानी और अदानी का काम करते हैं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए मीडियम न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।